हेलो फ्रेंड्स, सिंपल कुकिंग बाय बीएन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ फिश करी की रेसिपी, जिसे मैंने अलग तरीके से बनाया है। यदि आप वही सरसों वाली मछली की करी खा खा के बोर हो गए हो, तो इस तरीके से जैसा कि आज मैं बताने वाली हूँ, आप बिल्कुल वैसा ही बनाकर देखिए। आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये रेसिपी देखने के बाद आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, बातों में देर किए बिना मैं ये टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा केजी कतला मछली लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। अब सबसे पहले हम मछली को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को पूरी मछलियों में फैलाते हुए डालें। आधा छोटा चम्मच नमक, नमक को भी मछलियों में फैलाते हुए डालें। एक छोटा चम्मच नींबू का रस, इसे भी मछलियों में फैलाते हुए डालें। अब इस हल्दी, नमक और नींबू के रस को हमें सभी मछलियों में अच्छे से मिला लेना है। एक एक पीस करके अच्छे से सभी में लगा दें। सभी मछलियों में मैंने अच्छे से मसाले मिला दिए हैं। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और इसे ढककर फ्रिज में आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब मसालों में मैंने क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो छोटे प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश बनाया है, जिसमें 80% लहसुन और 20% अदरक है। लाल मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच। इस लाल मिर्च पाउडर में मैंने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर मिलाया हुआ है। जीरा पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच। धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच। आधा छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक। टमाटर का पेस्ट, मैंने यहाँ पर दो छोटे टमाटर को मिक्सी में पीसकर उसका पेस्ट बना लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है दो तेजपत्ता और दो हरी मिर्च को इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 मेथी का दाना, हरी इलायची 2, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। सबसे पहले हम सभी सूखे मसालों को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मिलाकर इसका एक मसाला पेस्ट रेडी कर लेंगे। थोड़ा पानी डालें और इसे अच्छे से मिलाकर इसका एक पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। मछलियों में मैंने पहले से ही हल्दी मिलाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हल्दी कम डालें और तीखा यहाँ पर आप अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा या कम, जितना भी पसंद हो ले सकते हैं। यहाँ पर मछलियाँ भी मैरिनेट हो गई हैं। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मछलियों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ गैस पर दो बड़ा चम्मच सरसों के तेल को गर्म कर लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम इसमें एक एक करके जितना भी मछली एक बार में आता हो उतना डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे। मछली को तेल में डालने के बाद उसे तुरंत ना पलटे, 2 मिनट के लिए एक साइड से अच्छे से उसे लाल होने दें, उसके बाद हम उसे पलटेंगे। मछलियों को हमें दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से लाल करके फ्राई कर लेना है। जब मछलियां अच्छे से फ्राई होंगी तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, मैंने मछलियों को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सभी मछलियों को फ्राई कर निकाल लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तो गैस की आंच धीमी कर दें। हम यहाँ स्टील की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए गैस की आंच का हमें ध्यान रखना होगा। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता तोड़कर, और तड़के के लिए जो भी सूखे मसाले लिए थे उन सभी को भी तेल में डाल दें और गैस की आंच धीमी रखें। हम इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा प्याज डालेंगे। अब गैस की आंच मीडियम कर लें।
मीडियम आंच पर हम प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक कि वो अच्छे से लाल ना हो जाए। यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे। अब हमने मसालों का जो पेस्ट बना कर रखा था उसे डाल देंगे। इसे भी हमें धीमी आंच पर अच्छे से भुन लेना है। बीच बीच में मसालों को चलाते रहेंगे। मसालों को भुनते हुए मुझे यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, साथ ही उससे तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। गैस की आंच धीमी ही रखें। टमाटर के पेस्ट को अच्छे से सभी मसालों के साथ मिला लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई मिर्च डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते वक्त आप ध्यान रखें कि हमने मछलियों में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक यहाँ पर आप ध्यान से डालें। टमाटर के पेस्ट को भी हमें धीमी आंच पर अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है, जब तक कि उससे तेल अलग ना हो जाए। इस तरीके से धीमी आंच पर सब मसालों को भूनने से उसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। बीच बीच में हमें इस मसाले और टमाटर के पेस्ट को चलाते रहना है ताकि वो कढ़ाई से ना चिपके। यहाँ पर इस टमाटर और मसाले के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है, साथ ही इससे तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का 1 ग्लास पानी लिया है। पानी डालने के बाद गैस की आंच तेज कर दें और पानी को सभी मसालों के साथ अच्छे से मिला लें। हमें इस ग्रेवी को ज्यादा पतला नहीं करना है। हम जो कड़ी बना रहे हैं वो मीडियम थिक ग्रेवी ही अच्छा लगता है, इसलिए पानी हम यहाँ पर ज्यादा नहीं डालेंगे। और जब ग्रेवी से एक उबाल आ जाए तब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे। और अब हम इसे धीमी आंच पर ढक कर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद कढ़ाई से ढक्कन हटाएं, ग्रेवी को अच्छे से मिला लें। और अब हम इसमें फ्राई किया हुआ मछली डाल देंगे एक एक करके। मछली डालने के बाद गैस की आंच तेज कर दें। जब सभी मछलियों को ग्रेवी में डाल दें उसके बाद उसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर दें। जब सभी मछलियों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी से भी एक अच्छे से उबाल आ जाए तब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और कढ़ाई में ढक्कन लगाकर इसे हम धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट के बाद गैस को बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद कढ़ाई का ढक्कन तुरंत ना हटाएं। 2 मिनट कढ़ाई को वैसे ही ढके रहने दें। 2 मिनट के बाद कढ़ाई से ढक्कन हटाएंगे और अब हम इसके ऊपर कटी हुई धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल देंगे। और अब ये हमारा टेस्टी फिश करी बनकर रेडी है। इस टेस्टी फिश करी को आप रोटी, राइस, किसी भी चीज के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। ये मछली की कड़ी आपको जरूर पसंद आएगी। और मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल सिंपल कुकिंग बाय बीएन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।